मुअज्जिज़ मोहतरम मुकर्रम ज़वेल एहतशाम अवामी आले सुन्नत हाजरीन खलकत, सब तो पहले मेरी दुआ है अल्लाह पाक तुहाडी मेरी हाजरी कबूल हो मंजूर फरमावे। तुहाडा मेरा बैठना तुहाडा मेरा बोलना मलिक नजीब सुल्तान वास्ते वसीला रहमत फरमावे, वसीला निजात फरमावे। साढ़े भाई मलिक नो शेरवान साहब, मलिक अमीर सुल्तान साहब और सारी कनान बरादरी नू अल्लाह जमाने के दुखों तो महफूज फरमावे। अल्लाह खतीब इमाम मस्जिद हाजा हाफिज मोहम्मद अशरफ साहब नू, इस मस्जिद की इंतजामिया नू और सारे कफा वाले नू अल्लाह पाक का पाक इशारे फरमावे। मेरे मोहतरम मेरे पीर भाई हजरत मौलाना भाई मोहम्मद मास्टर आसिफ साहब का आर्डर आ, मैं थोड़ी अदालत आलिया में हाजिर हो गई हाँ। सादात किराम तशरीफ फरमाए, तुसी एक नारे का जवाब दो, मैं नौकरी शुरू करा। नारे तकबीर, कोशिश करो जवाना की अक्सरियत है बोलो सारे नारे तकबीर। बहुत शुक्रिया बरादरी वाले भी सारे नारे तकबीर। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीर, नारे गौसिया। ऊंचा बोलो मिल के बोलो सारे बोलो नारे हैदरी। ताजदारे खत्मे नबुवत, ताजदारे खत्मे नबुवत। हाथ बुलंद करके लब्बे 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 या रसूल अल्लाह लब्बे। मेरा दिल ये है कि तुहानू मैं फिक्र आखरत भी सुनावां और कल मुहर्रम का चंद नज़र आ रहा है, इस हवाले नाल मैं ज़ैनब दे वीर का जिक्र भी सुनावां। मेरी इतना गुजारिश है कि इस रंग च पावना है कि हजूर राजी हो जावें। बाहर रहमत बरस रही है, अंदर भी रहमत वसे, साड़ियाँ छोलियाँ भर जावें जी। الحمد لله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد آمنت بالله صدق الله مولانا الذين وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين بهم أو كاهم دا أم بيوما دا جدا مرمن يتطر جمانه इस इलाके वाले मैं पत्थर नहीं बोल रहा, मैं गोश्त लोथड़े वाला हाँ, तो मैं उन्होंने पिया बोलदा जड़े दिल जान दें। एक नजीब एक कुरबानी के जानवर जिन्हें लोग पालन, जानवर जिबा होवन लगे, बच्चे रोवन पै गए।
जानवर प्रिया रहे अरमान तहे उस मादा जड़ी 21 साल पुत्र पलेंदी है। प्यू जवानी वे के खुश होंदा है मही वास्ते पियांदा बहु औखा होंदा ऊ प्यू मादा जेंदा मर वने पुत्र जवान जिसके दिल में हुसैन होगा ऐन है ते गैन कै नहीं दुख ढेरन ते चैन कै नहीं उस बंदे नु भी पत्थर समझी जेंदे दिल विच हुसैन कै नहीं। कुरान की आयतों का कबीला हुसैन है हम गरीब सुन्नियों का हीला हुसैन है जिसकी रसाई नबी तक न हो गए तो उस शख्स का जहान में वसीला हुसैन है। हजरत चले मेराज को बलबल बुला पे कमाल ही अंधेरा था उजाला हुआ कसफत तो जा पे जमाल ही कुरान बा अखला कशगवा हसमत जमी यो खिसाल ही सिदकन यकीनन रासखन सल्लो अलैहि व आलिहि सारे मिलके पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले उस करो मेरे जवान पुत्रो लब हलाओ अल्लाहुम्मा सल्ले अला सल्ले अला बतनी मुहन सल्ले सल्ले अला शाहे जमन खुशबू बदन इतवी चमन उथवी वतन इथवी वतन सल्ले अला क्या बात है रहमत वाला सल्ले अला बदनी आया सल्ले अला ए झा मिठा सल्ले अला कहीं ना मिठा सल्ले अला दिल दी दवा सल्ले अला मन दी गीजा सल्ले अला अखदा हया सल्ले अला पढ़दा खुदा सल्ले अला अल्लाहुम्मा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा हजूर दी मुख्तसर जी जमात मेरे नबी के सामने बैठी है तो मेरा नबी मुस्करा रहा है। जब नबी मुस्कराया तो मुख्तसर जी जमात जिन्होंने विच सैयदना सिद्दीक अकबर जैसा निशान भी हा हजरत फारूक जैसा साहेब ईमान भी हा
और सैयदना उस्मान भी हा, हुन बोलो ना बोलो अली शेरे मर्दान भी हा। भाई जे चुप कर गए मैं समाज तो हैरान हाँ कि तुसा अपने लीडर के सामने पावो बड़े खुश होते हो, तो जब सहाबा हजूर के सामने बैठे हो सर कितना खुश हो सर जी। मेहरबानी जनाब अल्लाह पाक तो सलामत रखे मेरे नबी जलन सर जी उन्हें डिठे ना नबी मुस्करा बैठे उन्हें आख्या है अज हजूर तो पुछो तो सही हर वेले उम्मत के गम रोंद अज मुस्करा जो बैठ खैर तो है ना वल अचानक सैयदना अमीर हमजा पाक नेड़े आए। हुण तुहानू पता है कि नहीं हजरत अमीर हमजा वो है यकीन फरमाओ मेरे नबी का चाचा है और मेरे नबी ये प्यार इतना करेंगे हैं तो सन अजीब की कबर में वेख के रोंदे होना अमीर हमजा वो जवान है जिनकी कबर ते मेरा नबी वेंदा फिर एक दफा नहीं गया बल्कि 70 मरतबा गया है। एक दफा नहीं तुसा सोना सुनिया मैं थोड़े वाल मुंह करके चुगला पढ़ना एक दफा नहीं 70 मरतबा गया है। और जब मक्का फतह होया है मेरे नबी फरमाते हैं तुसी तो यार सारे हंस रहे हो मुस्करा रहे हो आज मेरे हमजा को कोई याद नहीं कर रहा। हूँ जिन्हें साढ़े भाई बैठे थे नजीब सुल्तान के बाबा जी पुत्रा दिया शादियां कर सन सारे खुश हो सन एक दूजे आखिर यार मेरा नजीब तुम भूल गए हो वो क्या है वो विचू का जो प्यार है अगर असी मेरा नबी फरमाता है मक्का का फतह हो गया है तुम अज मेरे चाचे को याद ही नहीं वे कर रहे वो चाचा है सरकार मेरे नबी के नौकरों बड़े आंसुओं की कसम है। सैयदना अमीर हमजा करीब आए मुंडे पे हाथ रख के आदन सोना अज बहु मुस्करा बैठे हो सानू दसो तो सही खुशी की वजह क्या है। फरमाया मेरे उम्मतियो अल्लाह पाक ने मेरे को एक सूरत मेरे उत्ते नाजिल की थी है मैं ओदी वजह नाल मुस्करा पिया। वाह वाह सुभान अल्लाह एक दो बंदे खामोश है नवाजन मौलवी मिन्नत कर सी फिर सुभान अल्लाह सुन मैं कोई मिन्नत नहीं करता जेड़ा बोल सी अपने अमल वास्ते बोले सी मेरा इतना तजर्बा है कि अल्लाह का जिक्र करने नाल शक्ल हसीन होती है नबी दे जिक्र च नस्ल हसीन होती है सहाबा दे जिक्र च अकल हसीन होती है और मेरे हुसैन दे जिक्र च बोलने नाल जन्नत दी फसल हसीन होती है। वाह जी सुभान अल्लाह मेरे नबी फरमाया मेरे ते एक सूरत नाजिल हुई है तो मैं बड़ा खुश होया। हजरत अमीर हमजा फरमाते हैं अरब दा जाजा नबियां दी लज्जा गरीबां दा काजा ओ काबे दा हज्जा अब्दुल्ला दा चन्ना शाह जमाना मालिक अरब यमना उहा सूरत सानू सुनावे हा ताकि असा भी खुश हो जावीए। मेरे नबी फरमाया सुन लो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। हजरत उमर सरकार फरमाते हैं वचन जीवें जवानियां माने ओ उभरती ते लांधी दा सरदारा सूरत बकरा उतरी है इतना वड्डी है तुसी खुश नहीं होए आले इमरान उतरी है वड्डी है खुश नहीं होए एदा ढाई लाइना दी सूरत है। पर मैं इसी वास्ते मैं खुश होता पिया ओ मेरे गुलामो मेरे अल्लाह ने फरमाया है जेहा तेरा उम्मती ए सूरत अखलास त्राए दफा पढ़ सी मैं सारे कुरान पढ़न दा सवाब अता फरमा दे। लफ्ज़ थोड़े हैं मगर इनाम बहुत ज्यादा हैं।
कुरैशी। इस सूरत का तर्जमा भी सुनाइए, अजीब सूरत है। अल्लाह फरमाता है कुल शाबाश 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 शाबाश। मैं कोई इतना मुश्किल तकरीर नहीं कर रहा, ये सूरत हर किसी को आती है, भावे आजड़ी भी है तो उसको भी आती है। तर्जमा सुन लो, कुल Allah।
भाई, मेरा अल्लाह एक है और फिर क्या है, अल्लाह समद है भी एक ते है भी बेनियाज। कई तर्जमे होए, 1600 मुफस्सरीन ने एक कुरान का तर्जमा किया है, लेकिन जेड़ा तर्जमा मेरे आला हजरत किया है, बल्ले बल्ले बल्ले। अच्छा, कई आदमी ने अल्लाह समद, अल्लाह बेपरवाह है, अल्लाह बेपरवाह है, आला हजरत फरमाते नहीं नहीं, अल्लाह बेपरवाह नहीं, बेपरवाह तो हम हैं। अच्छा, बेपरवाह है, रब बेपरवाह नहीं, और मियां रब बेनियाज है, अल्लाह समद है भी एक ते है भी बेनियाद। असा बेपरवाह है, अजान होती है, नमाज नहीं पढ़नी, यार मिसकाल देवे तां मियां नहीं पहुंच बनना है, यार व्हाट्सएप ते मैसेज देवे कलर कहार इंटरचेंज पहुंच बनना है, यार मैसेज करे तां पिच दे उत्ते झाड़ू दे देवनी है, यार काल करे तां कुकली मार के बैट्समैन नूं बोल्ड कर देवना है, कायनात बनाए वो बेनियाज होता है।
बेनियाद है। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्होंने हवा भी ताबे फिजा भी ताबे जिन भी ताबे परिंदे भी ताबे वो एक महल बनवा रहे हैं। क्या बनवा रहे हैं? महल है कले सुलेमान ही बनवा रहे हैं। ते हाथ में जो सोटी पकड़ी हुई है ते मजदूर कौन है ने जिन कौन है? हाँ ते मिस्त्री कौन है? वो भी जिन है कले सुलेमानी। आप गूगल पर भी देख सकते हैं। आप बनवा रहे हैं उत्तो आवाज ये इज़राइल मैं तकरीर की तैयारी करके आया बैठा महीने नहीं मुंह चुके आ गया। जी इज़राइल जी अल्लाह फरमाया बन मेरा सुलेमान नबी खड़ा ही उसका टाइम पूरा हो गया है। अज रोंदे हो नजीब सुल्तान एदा यार बर्थी होया हा एदा यार साडे नाल क्रिकेट खेडदा हा हे कंबा मेरी निशानी रहे मैनू मौत आ
ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਇਸ ਸੋਟੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈ ਤੱਲੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਆਵੇਂ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਹਾਵੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਸੀ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਗਿਰ ਜਾਊਂਗਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹਮ ਆਪਣੋ ਕੋ ਗਿਰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਤੇ ਸੁਭਾਨ ਆਖੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਆਖੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ
ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹਿਫਿਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਮਹਿਫਿਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕਈ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਏ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਾਇਦਾ, ਇਤਨਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਾ ਸਾਟਣਾ। ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਆਪੋ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਪੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਣ ਬੇ ਮੌਸਮਿਆ ਜੋ ਖਜੀ।
एक कदम
ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ? ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ, ਨਫਲੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ। ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਨਾਲ ਹੈ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ, ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਵਹੀ ਹੈ, ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਵਹੀ ਹੈ, ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਕੇ ਸਾਥ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੋਗੇ? ਇੱਥੋਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜਾਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਉਸ ਜਾਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲਚਾ ਤੇ ਕੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਤੇ ਕਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਚੁਨਾਚੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਟੁਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਲ ਭਾਈਓ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਉਹਨਾਂ ਆਖੇ ਬੰਦਰ ਖੁਦਾ ਹਮ ਕਬਰ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਕਬਰ ਬਣਾਵਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਸਾਂ ਬਣਾਉ? ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਰੱਖਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਬਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਚੁਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ
इजाजत दियो एक जवान दी बरसी ते आए बैठे हो जितना टाइम अल्लाह पाक देता है उदी मेहरबानी तो समी आ गए हो तुहाडे उत्ते भी रब दी मेहरबानी इजाजत दियो कौन तक जाना है कौन छे तक अच्छा कोई घबराओ नहीं मैं नमाज के रह मैनू अच्छा जी अच्छा तुहाडे जज्बात बड़े ऊंचे जा रहे हैं मैं देखे कितने कितने तकरीर कर बुढ़े जो बैठे हो ना बुढ़े और फिर मैंने मौलवी बस भी कर रही नमाज ही पढ़नी है पहले तो पूछ जी नमाज पढ़ते ना उस नमाज में वह दरूद ही तो है जिन्हों का मैं जिक्र पिया करना नमाज नहीं आती तू जो इतना सौड़ा होता पिया है वो ना होंगे तो तेन नमाज लभनी है चुप की बैठे हो तो कूठियां भी बंद की बैठे हो मैं तो सेल्फी तो नहीं ले रहा अली
अली हक दी निशानी सोने आका दी जबानी अली हक दी निशानी हसन दी है नाले हुसैन दी है
बेटा थक तो नहीं गए थले पानी उसी कम हुए तो नहीं मैं फिर तशरीफ रखो अगर जा हो बैठ जाओ ताकि मैं उस जवान का जिक्र करा तुसा जवानी तुसा बड़ा सोहना पे सुनते हो बेटा आपकी अम्मा जिंदा हो तो जाके माँ के पैर चूम लेना माएँ अच्छी होती हैं बेटे बापू के जिक्र में नौकर बन के बैठते हैं मैं उस अकबर का नाम चाया है मदीने में जदन कोई बीमार हो गया हुसैन का दरवाजा खड़का के आदे हम हुसैन दरा अकबर बीमार नु विखा अकबर जेनू वेखे बीमार भी ठीक हो जाता है बड़े चंगे सोने हो जी अल्लाह बड़े जवानिया बेदाग बनावे अकबर वो है यकीन फरमा जेनू भुखे वेखे ना रज लेंदे हैं फारूक जेनू प्यासे वेखे ना त्रेह लै लेंदी है तुहाडी वाहवा दी कसम है अकबर बड़ा सोहना बड़ा सोहना मेरे मोबाइल विच हुण भी एक बीबी का वीडियो है शेखोपुरा विच उनू 70 साल हो गए वो भेड़ हाली तक अपने भीरा का इंतजार कर रही है ये पाकिस्तान शेखोपुरा विच एक बच्ची है जिले पाकिस्तान बनन लगा हा और 9 साल की है इंडिया में बैठी है उत्ते पुलिस आख्या चल चल उन्हें आख्या मेरे 9 साल का भाई खेडन गया है उन्हें आख्या हिंदू तेन मार दे सन चल वो बची आई अपनी माँ के नाल हाली तक उन्हें अपने भीरा की तस्वीर रखी हुई है वो हुण भी आती है कि मैनू आस है किसी वेले तो मेरा आ जासी वीर एक मदीने विच भी भेण है जिहदा नाम सैयदा सुगरा हा उहदा अकबर जिहड़े वेले टुरिया हा उन्हें आख्या हा आ जामी और यकीन फरमाओ फिर जदन इस बीबी सूरा का इंतकाल होया है ना इंतकाल होया है फिर औरत आख्या इमाम सज्जाद नू सज्जाद तेरी भेण की अख नहीं बंद होंदी पई फरमाया दी अख बंद करन की कोशिश ना करो इनू हुण भी अकबर का इंतजार है हजूर गुलाम महबूब साहब तशरीफ गिन के आए इस इलाके की बड़ी कामयाब हुकामरान और बड़ी तकवे के लिहाज न आला शख्सियत है वैसे भी सैयद साहब भी बैठे हैं सारे नू अल्लाह सलामत रखे हजूर अलाउद्दीन सिद्दीकी का फैज भी इतने है अल्लाह सब के उत्ते रहमत करे जी मैं अर्ज दे पिया करे ना मी ये इतना सोहना हा जिले करबला के मैदान पहुंचा है ना अकबर यदि उम्र है 18 साल इदो वाले बोलते हो इदो वाले को वजन बराबर करो जी मैं शक में पै जाना भाई ये बोलते में चुप कर मैं कि काफ लीग तो नूर लीग के चक्कर हाँ मैं तो नूरानी लीग का बंदा हाँ अच्छो यकीन फरमाओ यदि उम्र 18 साल है जड़े वेले अकबर करबला के मैदान च गया है अजीब मंजर हा और वाहिद अली अकबर है जै बाबा नु आख्या बाबा मैनु इजाजत दे मैं करबला वेना मौत की तैयारी कौन मंगता है अली का पोतरा दे मैनु इजाजत दे फरमाया मैं तो इजाजत दी है इकवीवा खेमा है तेरी अम्मा लैला दा उस तो भी इजाजत खेम इकवीवा खेमे के करीब गए शौकत इवें लड़ हलाया तो क्या कहते हैं माँ कुरान बैठी पढ़ती है अली अकबर पाक पीछे खलो गए माँ तिलावत दे बाद दी अल्लाह मैं लैला दी हिक्का दुआए कासिम बाद च करबला वन्ने अब्बास बाद च वन्ने अली दे पुत्र बाद च करबला वन्यन मेरा अकबर पहले वन्ने
अली अकबर सुनदा खड़ा हा पीछे मूठे ते हाथ रख के आदाए अम्मा अल्लाह तेरी दुआ कबूल कर दीदीए मैं कोई इजाजत दे मैं कर बलावे ना मासूब खोले आए चौदह जोड़े अली अकबर दे हन इवें जोड़े कट दी आई है आदि नहीं अकबर तेनों चंगा नहीं लगता नहीं लगता चंगा नहीं लगता आखिर च चिट्टा सफेद जोड़ा हा मा दिए अवे अकबर हुण दसा दे अम्माई हो पवा कफन दा कफन बनवे सी ते नाने दी सुन्नत जिंदा हो जासी चिट्टा जोड़ा अकबर चाया खैमे विच अपने विच लगे गए पाया तैयार हो के आ गए उस वेले मादी अवे अकबर मेरिया त्राए वसीयत हैं नौता पूरिया चक्कर अम्मा के लिया फरमाया अकबर एक दफा मैनू मुस्करा के ता विखा जा मैनू मुस्करा के विखा जा अकबर मुस्कराया फरमाया दूसरी वसीयत मैनू तुर के विखा जा Oh, my rubaba.
ਖੋਜਾ ਫਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਬਾਹਰ ਇਹ ਕੱਟ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂ